हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान और आप सबको मेरी नमस्ते। और आज हम बनाएंगे पकोड़े। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने आलू लिए हैं, ये बैंगन लिए हैं और ये पालक है। हम इनके पकोड़े बनाएंगे आलू बैंगन पालक के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम एक कप जो है बेसन लेंगे। ये बेसन मैंने छान लिया है। थोड़ी अजवाइन डालेंगे। ये हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई। नमक डालेंगे, डेढ़ चम्मच नमक डालेंगे, डेढ़ चम्मच मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इनको बेसन को घोलेंगे। ये देखिए हमने बैटर बना लिया है और ये इतना स्मूथ बैटर बनाना है। अब हमने तेल रख लिया है, तेल गर्म हो गया है। और अब पहले हम बैंगन के पकोड़े बनाएंगे। अब देखिए बैंगन के पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको हम निकालेंगे। ऐसे करके हम सारे पकोड़े बना लेंगे। अब हम आलू के बनाएंगे। ये देखिए आलू के भी हमने बना लिए हैं। अब हम इनको निकालेंगे। ये देखिए पालक के पकोड़े भी तैयार हो गए हैं। इनको भी निकालेंगे हम। ये देखिए पालक के पकोड़े भी तैयार हो गए हैं। अब हमने सारे पकोड़े बना लिए हैं। अब हम इनको निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी तरह के पकोड़े तैयार कर लिए हैं। ये पालक का पकोड़ा है,
ये बैंगन का है, ये आलू के हैं। ओके बाय, मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।